ये एक अच्छे डीड की कहानी है और राजेश पिल्ले जिन्होंने इसे डायरेक्ट किया है वही ओरिजिनल डायरेक्टर भी थे और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि आज वो नहीं है, लेकिन जो उनका विजन था और जिस तरह के एक अच्छे काम के लिए किस तरह की जद्दोजहद करनी पड़ती है और किस तरह एक की जान बचाने के लिए एक सारा पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोग किस तरह जुड़ जाते हैं, इसकी ये कहानी है। और 150 मिनट में ये सारा मामला किस तरह से होता है, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, बिल्कुल थ्रिलर की तरह है और इसका इमोशनल कंटेंट ज़्यादा स्ट्रांग है। व्हाट डू थिंक आफ्टर वाचिंग दिस मूवी ट्रैफिक पुलिस को से कुछ मैसेज मिलेगा? उनको क्या मैसेज, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं और हमारी फिल्म जो है वो उनके अच्छे काम के लिए एक ट्रिब्यूट है। मतलब हम तो चाहते हैं कि जिस तरह की पुलिस व्यवस्था हमारे पास है और जिस कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं उन्हें ये फिल्म एक बहुत बड़ा सलाम है। नहीं, ये तो नागरिक को जिम्मेदारी भी अपनी समझ के ही चलना चाहिए। सारी जिम्मेदारी पुलिस की नहीं है, हमारी भी है। थैंक यू। ट्रैफिक किस तरह की स्टोरी होने वाली है, अगर आप लोगों ने ट्रेलर देखा है तो कुछ अंदाज़ा आप लोगों को लग चुका होगा। इट्स अ स्टोरी अबाउट बेसिकली हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर थोड़ा आपको ट्रांसप्लांट के बारे में मालूम है तो उसमें सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर एक व्यक्ति के का हार्ट अगर निकाला जाता है विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 आवर्स वो दूसरे व्यक्ति तक पहुँच जाना चाहिए जिसके लिए ट्रांसप्लांट हो रहा है। तो ये कहानी है कि पुणे से मुंबई तक का सफ़र उस हार्ट को लेके एक इंसान की ज़िंदगी बचाने का एक प्रयत्न है सबका। इसमें बेसिकली वन लाइन वो है कहानी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मूवी के जरिए ये देखा जाए इस चीज़ को दिखाया जा सकता है कि ट्रैफिक पुलिस कितना तकलीफों का सामना करती है। जी नहीं, ट्रैफिक पुलिस कितना तकलीफों का सामना करती है ये तो एक चीज़ है ही,
लेकिन ट्रैफिक ख़ुद कितना बड़ा एक मेनेस बन चुका है आज की ज़िंदगी में, मॉडर्न लाइफ के अंदर, जहाँ हम सब भुगतते हैं. ऐसा कोई है नहीं जो ट्रैफिक से भुगतता नहीं है, क्योंकि आज आप सोचें घर से आप निकलते हैं, आप सोचते हैं कि एक जगह आप आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन पता चलता है कि सवा घंटा डेढ़ घंटा हर ही जगह. और मैंने ये यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, मैंने पूरी दुनिया में घूमा हूँ, सब जगह देखा है, ट्रैफिक का हाल सब जगह एक ही है. लेट्स होप सो, इंशाल्लाह आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म. मैं फिल्म में काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी है. मुझे बहुत आज बहुत सिर्फ एक व्यक्ति बहुत याद आ रहे हैं, वो हैं फिल्म के डायरेक्टर. अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे साथ नहीं हैं. वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि वो कुछ ही महीने पहले उनका देहांत हो गया. और लेकिन जितनी मेहनत, जितनी लगन और जितने पैशन के साथ राजेश पिल्ले ने बनाई है ये फिल्म, आई एम श्योर लोग उतना ही पसंद करेंगे जितने भी दर्शक. मैं इसमें एक डॉक्टर का किरदार कर रहा हूँ, जो कन्विंस करना चाहता है कि जो देखिए जो दो लोग हैं इसमें, जिसका एक से हार्ट लेके दूसरे को ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें मतलब कन्विंस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी को भी कि भाई आप, आपके घर का परिजन है, आपके घर में एक आपका एक बेटा है या कोई भी है, आप जब कभी भी बात करते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट की तो लोगों का थोड़ा एप्रीहेंशन रहता है. तो बेसिकली आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर हु कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द टू और कन्विंस करता है कि भाई वो लड़की की जान बच सकती है, जो जा रहा है वो तो जा रहा है, लेकिन इस हार्ट की वजह से एक व्यक्ति की जान बच सकती है, तो ऐसा करना चाहिए. जी अब आप पीछे देखिए, अब सब कुछ मैं आपको बता दूंगा तो क्या. Songs in a movie for Mithun sir. So yeah, I'm really excited, looking forward to watch the movie. So aapne isme kon kon se do gaane gaaye matlab maine do gaane gaaye hain, Door Na Ja and Kehbi De. So what do you think about this movie? Iske movie dekhne baad logon mein matlab traffic mein kuch badlav aayega ya aana chahiye, because it's such an true story. Yeah, it's a true story and बहुत ही दिल से बनाई गई फिल्म है. एंड राजेश सर अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है, सो उनके लिए ट्रिब्यूट है. आई होप कि ये लोगों को इंस्पायर करें. कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब साथ में काम करें? मेरा एक्सपीरियंस इस मूवी का बहुत ही अमेजिंग रहा, बिकॉज मैंने इसके गाने तब रिकॉर्ड किए थे जब आशिकी 2 रिलीज़ नहीं हुई थी. सो दिस वॉज माई वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड अब फाइनली रिलीज़ हो रहा है, सो एक अलग एक्साइटमेंट है. ओपिनियन तो यही है कि मेरी फिल्म है, मैंने इसका म्यूज़िक किया है, तो बहुत मैं कहानी से वाकिफ़ हूँ और बहुत खूबसूरत तरीके से फिल्म बनी है और बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं मुझे इस फिल्म से. हमने सुना है डायरेक्टर हमारे बीच नहीं रहे. जी, कैसा एक्सपीरियंस है उनके साथ काम करने? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. राजेश पिल्ले मेरे बहुत
करीबी दोस्त बन गए उनके साथ, उनको मैं बहुत मिस कर रहा हूँ आज, और जितना मैं उनको जानता हूँ उन्होंने पूरे दिल से इस फिल्म को बनाया है और उनका सपना आज पूरा हुआ, तो इस बात के लिए मुझे खुशी है। बहुत कमी महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहते हैं, एक भावुक दिन है उनके, क्योंकि उनके परिवार से भी मिला था मैं पिछले महीने, मैं कोचिंग भी गया था, तो उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज इस फिल्म से जितने भी लोग जुड़े हैं सब लोग जो है बहुत भावुक हैं। इस मूवी के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? देखिए, मैसेज तो डायरेक्टर का है, मेरा नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन जो म्यूज़िक मैंने किया है यही बात दिखाती है कि सच्चाई की बहुत ज़रूरत होती है और नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान को ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जिसको कंटेंट ड्रिवन सिनेमा कहते हैं, और बहुत सारे लोग इस फिल्म के सपोर्ट में सामने आए हैं। आई थिंक सलमान, शाहरुख, जॉन अब्राहम, सभी लोगों ने इसके कंटेंट को जो है एंडोर्स किया है, और ऐसी फिल्में अगर चलेगी जैसे नीरजा का भी सक्सेस रहा, तो ये हमारे हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। I'm looking forward to it. I've heard a lot about it. I've seen the promos. The promos are fantastic. I'm looking forward to a great film. And Manoj Bajpayee is a great actor, so I'm sure it's going to be fantastic. So, director is not Amar Sandeep. Yes, may God bless his soul. But I'm sure he's going to live through this wonderful picture that he's made. अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ देखने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी फिल्म होगी। मुझे पता है कि बहुत मेहनत गई है इस फिल्म को बनाने में, और ये एक बड़ी इमोशनल सी फिल्म भी है क्योंकि डायरेक्टर जो हैं वो गुजर गए हैं इससे पहले, मगर उनका काम जो है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, कुछ मिनटों की फिल्म इसमें दर्शाई गई है। देखिए, मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है तो मैं अभी इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकता। एक दफ़ा देखूंगा तो खुद फिर मैं बात कर सकूंगा। थैंक यू, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी,
कितने एक्साइटेड हैं आप ये बताइए? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म है बॉलीवुड में। समझ गए आप, इसीलिए मैंने इनको खड़ा किया। मैं बहुत बहुत टाइम से अपने बॉलीवुड डेब्यू का वेट कर रही हूँ, फाइनली आज हो रहा है, तो आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड एंड आई एम मोर ग्लैड बिकॉज आई एम गेटिंग टू वर्क इन सच अ गुड बिग बैनर विद मनोज सर एंड द इंटायर स्टेलर कास्ट विच इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। सी मेरे लिए क्या है कि हर फिल्म जो मैं लेता हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब होती है, और अगर अच्छी फिल्म नहीं लगती है तो मैं घर पे बैठता हूँ और फिर मैं कुछ और काम करता हूँ। तो ट्रैफिक जो है बहुत सोच समझ के मैंने की थी, और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला इस फिल्म को, जो इंडस्ट्री का सपोर्ट मिला, और आई नो वन थिंग कि ये हमारा किया धरा नहीं है, समवेयर राजेश पिल्ले जो जिनकी आत्मा जो है वो हमको बहुत पुश कर रही है, वो हमको जो है इनकरेज कर रही है, और वो सारा अपना काम कर रही है। एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ में न्यू कमर्स जो हैं वो एक अलग तरीके की एनर्जी, अलग तरीके का जो है इंटरप्रिटेशन लेके आते हैं, जैसे रिचा है, अमोल है, यू नो ऑल ऑफ दिस गाइज, दिव्या उन्नी, विशाल सिंह, निकिता, यू नो ऑल ऑफ दिस गाइज, ये मेरे दोस्त हो जाते हैं। बाकी 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 लोगों को मैं पीछे छोड़ देता हूँ क्योंकि इनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है मुझे इनसे ज़्यादा सीखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इनको खड़ा किया है कि आप लोगों के सामने, क्योंकि इनके पास नई चीज़ें हैं। क्या सी राजेश पिल्लई की फिल्म है, हमारी फिल्म नहीं है, हमारी फिल्म बाद में, हमारी फिल्म सबसे अंत में, ये सबसे पहले राजेश पिल्लई की फिल्म है क्योंकि उन्होंने ही ये सारी मेहनत की है, ये सारा बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आप मिस करेंगे, उनके फैमिली अभी आई हुई है, और आप बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया परफेक्शनिस्ट आदमी थे, किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो, क्योंकि इन सब चीज़ों पे, और काफ़ी अडोरेबल थे, प्यारे थे, बहुत अच्छे इंसान थे। करप्शन के बारे में ये करप्शन से ज़्यादा ह्यूमैनिटी के बारे में, इंसानियत के बारे में, ये हम सब की जिम्मेदारी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर, हम लोग को ऐसा बिल्कुल रियलाइज ही नहीं करते कि हम न्यू कमर हैं सर, हमेशा हम लोग को यू नो हमेशा हम लोग को आगे रखने की कोशिश करते हैं, मतलब मैंने नहीं वैसे पहली फिल्म है लेकिन मैंने मैम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, अभी फर्स्ट मूवी में इससे ज़्यादा क्या मिलेगा, यू नो दिव्या मैम के साथ काम करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा, अमोल सर के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ काम करके, और रिचा मैडम तो मतलब कमाल ही सुनिए, जो हाय मिलता है ना एक एक्टर को एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बन के, वो मिल रहा है, और अभी परसों हमने एक साथ पहली बार ये फिल्म देखी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, एंड आई एम श्योर लोग इसको बहुत प्यार देने वाले हैं, सो वी नीड ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव, एंड वी हैव गिवन इट आवर बेस्ट। सलमान ने किया, शाहरुख ने किया, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम, जॉन ने आज किया है, जॉन अब्राहम ने, तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, हमें लगातार मिलता रहा है, एंड मैं ये मानता हूँ कि हम जो इंडस्ट्री के लोग हैं, फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे चलेंगे, और एक दूसरे के अच्छे काम को हम अगर अप्रिशिएट करेंगे तो ये इंडस्ट्री और भी अच्छी होगी, और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। इस मूवी के जरिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यही कि इंसानियत सबसे ऊपर है, आपकी ज़िंदगी आपके परिवार से बढ़कर इंसानियत है, अगर आप हम सब में इंसानियत हो, हम सब एक दूसरे का, अब जो इस समाज में लोग रहते हैं उनके बारे में सोचें, एक दूसरे के बारे में सोचें, जो हम सारे समाज में रहते हैं, सिर्फ परिवार के होकर ना रहें, समाज के होकर रहें, तो ये समाज बहुत आगे जाएगा, परिवार भी आगे जाएगा। नहीं नहीं ये सिर्फ हमारे कुछ करीबी दोस्त और कास्ट एंड क्रू के लिए ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि हम एक को बुलाएंगे तो बाकी लोग बुरा मान जाएगा, और हमारे पास समय नहीं था, और सब सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रहे थे हम, तो आज जो देखेंगे अब आज हमसे ही काम चला लीजिए, आज सलमान शाहरुख नहीं आता जी, काफ़ी कोशिश हो रही थी लेकिन आप जानते हैं कि वो लोग बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे वो या तो फिल्म देखेंगे या हम उनको ज़रूर दिखाएंगे।
एक्शन तो मतलब कल के बाद में भी कभी ऐसे से कोई चांसेस हैं? कोई बिल्कुल हो सकते हैं यार, इंशाल्लाह। एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, सर आइए आइए। I'm very much excited. You know, this is one script which I think many people has high expectation from, because the quality of the film, the quality of the script is really something different. It's a true event story. So I think it will definitely keep us emotionally on the peak. And I think it will be a really good movie. And I'm here to definitely wish Manoj Bajpayee and Divya all the very, very best. They are brilliant actors, so definitely their performance will be like A-quality. Director is not happy with us. Yes, I know. So that's very sad. But still, we should be happy the movie released. And I think the entire family is definitely proud that the movie released. Definitely, this is nothing sad, as I would say that the director, unfortunately, is not with us today. And his hard work, he can't celebrate himself. But what to say, it's part of life, I think, you know. It's okay. Thank you. Thank you.
बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब मैं चलाता हूँ तो बहुत इतनी ट्रैफिक है बॉम्बे में यार, मैं बता नहीं सकता इतना एक्साइटेड हूँ. मेरा आधे से ज़्यादा पेट्रोल ट्रैफिक में चलाया था. फाइनली एक फिल्म आई है ट्रैफिक के ऊपर. काश हम हिंदुस्तानी इस फिल्म से कुछ सीखें और ट्रैफिक को कम करें, और जैसे दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है बॉम्बे में भी चले, और जो बचे कुछ लगे हैं सबके और लगे. हाँ बहुत अच्छी फिल्म है, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ और बहुत बहुत अच्छी फिल्म है. हाँ हाँ करप्शन का मेंशन है. एक बहुत बहुत छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर जो है इस फिल्म को दर्शाया गया है. और ये एक ऐसी फिल्म है कि जब आप अंदर जाते हो फिल्म को देखने के लिए तो बाहर कुछ लेके निकलते हो. मतलब बहुत अच्छे मैसेजेस हैं कि एक आदमी की ड्यूटी, उसके काम के लिए उसकी ऑनेस्टी, वो सब चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं. और मुझे लगता है कि यूथ इसको पसंद करेगा. मुझे मनोज सर का ऑफकोर्स बहुत अच्छा गया. जिमी ने भी यू नो इज ए फैंटास्टिक रोल इन ऑफ अ कॉप, बट मुझे मनोज सर के किरदार से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ यू नो, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ मैं. थैंक यू.